क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साउथ इंडियन पेंटिंग जिसे इनकरेज किया मैसूर के राजाओं ने, इसीलिए इस पेंटिंग का नाम भी है मैसूर पेंटिंग। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं मैसूर पेंटिंग की, जो अपने एलिगेंस, म्यूटेड कलर्स और डिटेल्स के लिए जानी जाती है। इसकी थीम्स की बात कर रहे हैं तो जो इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस या फिर माइथोलॉजिकल सीन होते थे उस पे बेस्ड होती हैं सारी उनकी पेंटिंग्स। कलर्स एज यूजुअल नेचुरल सोर्सेस, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स और इवन स्टोन से कलर किया जाता है। स्टोन्स को बारीक पीस के उससे कलर रेडी कर, गिलहरी के बाल से ब्रश बनाया जाता, बेचारी गिलहरियाँ तो हेयरलेस होती होंगी वो पहले ज़माने में। हर जगह ब्रश बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए जो ब्रश बनता है, सब पूरे सब स्टेज में ग्लेरी के बाल, पर आउटलाइन करने के लिए एक स्पेशल ग्रास का यूज़ होता रहा है इस वाले मैसूर पेंटिंग में। टेक्निक की बात करें अगर तो पेपर या कपड़े पर उसके ऊपर वुडन बेस के ऊपर पेस्ट करके या फिर दीवारों पर चिकनी मिट्टी और गम को मिला के चौक से पेंट करके स्मूदन करके उसके ऊपर पेंट किया जाता है और उसके बाद बेसिक स्केच बनता है। फिर जिस जिस जगह पर उभार चाहिए होता है, जैसे गहने या बॉर्डर्स या डिटेलिंग के लिए जो जो जगह चाहिए होती है, वहाँ पर जेसो पेस्ट लगाया जाता है। जेसो पेस्ट जो होता है वो सीसा यानी कि जो लेड होता है और ट्री रेजिन को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा एम्बॉसिंग हो जाती है, मतलब उभार आ जाता है। और फिर जो है इसे जैसे जो जहाँ लगाए इसे सुखाया जाता है और उसके ऊपर गोल्ड फॉइल, जी हाँ गोल्ड फॉइल लगाया जाता है उन रेस्ड पार्ट पर, ताकि उसमें डिटेलिंग्स आ जाए, उसमें गोल्ड का इफेक्ट आ जाए, मतलब गोल्ड ज्वेलरी है चाहे या फिर मुकुट है, बैकग्राउंड में बॉर्डर और ये सब, उन सब के लिए गोल्ड की फिनिशिंग दी जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में। और बाकी जो पेंटिंग बचती है उसमें फिर नेचुरल कलर, ये है आपके गोल्ड शीट, गोल्ड फॉइल की शीट, इसको इस तरह से निकाल के जिस भी हिस्से को जैसे उसे एम्बॉस किए वहाँ पे इसको लगा देते हैं, फेविकॉल से इसको पेस्ट कर दिया जैसे, और जब वो पेस्ट हो गया उसके बाद एक अलग ही लुक आ जाता है। फिर बाकी कलर्स फिल कर दिए जाते हैं। जब पेंटिंग सूख जाती है तब इसे पतले से पेपर से कवर करके प्यार से रब किया जाता है सॉफ्ट स्टोन से, जैसे कि आप स्टोन देख रहे हैं, ये एक पतले से पेपर को लगा के सॉफ्ट स्टोन से इसे रब कर देते हैं। डेलिकेट लाइन्स, इंट्रिकेट ब्रश स्ट्रोक्स, ग्रेसफुल पोस्चर्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स, जैसे कि आप देखे नहीं इसमें, ब्राइट वेजिटेबल कलर्स, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये कलर्स कितने पुराने, कितने साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, पर इनके कलर्स कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये फूल पत्तियों, सब्जियों और पत्थरों का चूरा बना के उन सबसे कलर्स बनाए जाते हैं। और जैसा आप इसमें देख रहे हैं, आप ऊपर सारा जो बनाया है गोल्ड फॉइल से फिनिशिंग की गई है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं, स्पेशली गोल्ड फॉइल एंड जेसो की वजह से एम्बॉसिंग हो जाती है। एम्बॉसिंग मीन्स जो उभार आता है, इन सब के यूज से मैसूर पेंटिंग फैंटाबलेसली फैंटास्टिक पेंटिंग है, मतलब सबसे अलग। कर्नाटक की पेंटिंग्स में गोल्ड फॉइल बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा। अब इनके पोस्टर्स जो होते हैं इतना इंट्रिकेट, इतना डेलिकेसी, मतलब मुद्रास पे जो पेंटिंग है, जिस भी ह्यूमन फिगर की या गॉड गॉडेसेस की इसमें पेंटिंग बनाई जाती है, उनकी मुद्रास पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक ही छोटी से छोटी डिटेल में इस तरह से फोकस करते हैं कि हाथों की उंगलियां, उनके अंदर की लाइंस वगैरह भी, सारी इंट्रिकेट डिज़ाइन, सब डिटेल्स नज़र आते हैं। इसीलिए तो मैसूर पेंटिंग बहुत स्पेशल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तरह तरह की मुद्राएं, मतलब एक ही इंसान के हाथ कितने मुद्राओं में चेंज हो सकते हैं,
एक ही गुलाब या कमल के फूल में कितनी डिटेलिंग हो सकती है, कितनी वेरिएशन हो सकती है। सब देवी देवताओं के अलग अलग जो अपने उनके हथियार हैं, वो सारे सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा डिटेलिंग, उनके गहने, मतलब एक अपने आप में पूरा स्कूल है मैसूर पेंटिंग। तो ये जो जो पेंटिंग्स होते हैं मैसूर, ये सिर्फ डेकोरेटिव पीस नहीं होकर पूजा की भावना जागती है इससे, और सॉफ्टनेस और एक रिस्पेक्ट कि यस वी हैव सीन समथिंग स्पेशल। एक सॉफ्टनेस होती है इनको देख के, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है इन पेंटिंग से। जो इसे सबसे खास बनाती है वो है जेसो और गोल्ड से की हुई एम्बॉस्ड पेंटिंग। मतलब ये जो आप देख रहे हैं जैसे गोल्ड उभर उभर क्या रहा है, पिक्चर्स में आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगी डिटेलिंग, पर अगर आप मैसूर पेंटिंग देखेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पे गोल्ड होगा वो उभरा हुआ होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, जेसो जो है लेड और ट्री रेजिन को मिला के बनाया जाता है। तो ये जो मैसूर पेंटिंग है ये काफ़ी हद तक तंजौर पेंटिंग की तरह ही दिखता है, पर इसमें जो गोल्ड वर्क है वो इतना डेलिकेटली, इतना इंट्रिकेट गोल्ड वर्क किया जाता है जिससे ये पेंटिंग अपने आप में भी गजब दिखती है। ये है काफ़ी पुरानी, बहुत मतलब लाइक 16th सेंचुरी की पेंटिंग। अच्छा, ये जो इनकी मैसूर की जो देवी हैं उनको बहुत अलग अलग, सबसे ज़्यादा उनको दिखाया जाता अलग अलग पोस्टर्स में। ये है राजराज रानी और ये हैं बाकी भगवानों के फेसेस। ये चांडमोनी विनाशनी, महिषासुर मर्दिनी। तो मतलब देवी माता को इसमें ज़्यादा दिखाया जाता है। देवी माता के अलावा इसमें जो और जो सबसे फेमस है वो है दशावतार और रामायण और महाभारत। तो ये है जो सबसे ज़्यादा दिखता है मैसूर पेंटिंग के अंदर। जैसे कि हमने गंजीफा कार्ड देखे थे कर्नाटका के, वैसे ही मैसूर पेंटिंग भी है और वैसे ही होती है तंजौर पेंटिंग भी, पर सबकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैसूर पेंटिंग में रॉयल, मतलब गोल्ड के साथ एम्बॉजिंग के साथ एक अलग ही लुक आता है। किस तरह से गोल्ड पेंट फेविकॉल से लगाते हैं, गम से लगा के उसको फिर फालतू को ब्रश की सहायता से हटा देते हैं, और उसके बाद बाकी ब्राइट कलर्स, मतलब रेड, ग्रीन, मरून, येलो, ब्राइट कलर्स ही यूज़ होते हैं इसमें सर। तो ये है हमारी मैसूर कर्नाटक पेंटिंग। आप आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।